ओम गणेशाय नमः। आज हम महालक्ष्मी जी की पूजन विधि और दीपावली की कथा सुनेंगे। उससे पहले मेरे सभी भाइयों और बहनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दिवाली। केसर रौली चावल, पान दूध, खील बताशे सिंदूर, मेवा मिठाई, दही, गंगा जल, सुपारी, एक जल का लोटा, अगरबत्ती, रोई घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई और एक नारियल, एक थाल में या भूमि शुद्ध करके नवग्रह बनाएं, रुपया, सोना, चांदी, श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी और श्री सरस्वती जी और श्री महेश जी आदि देवी देवताओं को स्थान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उनको साक्षात रूप मानकर पहले दूध और फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र से साफ करके स्थान दें और स्नान कराएं। दूध दही व गंगा जल में चीनी बताशे डालकर पूजन के बाद सबको उनका चरणामृत दें। घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। दीपावली की कथा। एक दिन शौनकादि ऋषियों ने सत्य कुमार से पूछा कि हे भगवान, दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व तो विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सत्य कुमार जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्य राज बलि ने अपने भुज बल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया, तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। कारागार से मुक्ति पाकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ देवताओं के पूजन तथा शयन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं विश्राम करेगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए, जिसको कि किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया गया हो। उस पर सुंदर नए वस्त्र व चादर बिछा कर तकिया और रजाई आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्राय कमल में ही होता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त हो देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वो स्थायी निवास करती हैं। उनके भोग के लिए खोआ बनाना और उसमें मिश्री, लौंग, कपूर व इलायची आदि को मिलाकर मोदक बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि हे ऋषियों, राजा बलि ने लक्ष्मी जी तथा अन्य देवताओं को अपने वश में कर लिया, तो फिर लक्ष्मी जी ने उसका त्याग क्यों किया? सत्य कुमार जी ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों, एक बार जब दैत्यराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छुपा, तो इंद्र ने उसे ढूंढने का यत्न किया। तब इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप बनाकर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहाँ पहुँचने पर बलि से उसकी बातचीत होने लगी। बलि को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उस समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसे देख इंद्र ने पूछा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभा युक्त स्त्री देवी है या आसुरी या मायावी? राजा बलि ने उत्तर दिया कि हे देवराज, यह ना देवी है, ना आसुरी है और ना ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर उसी से पूछो। इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और दैत्यों का परित्याग करके मेरी तरफ क्यों चली आ रही हो? मंद मंद मुस्कुराती हुई वह शक्तिशाली स्त्री बोली कि हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और ना उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्रवेता मुझे दुस्था, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु आप तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार से नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया कि हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज के पास वास किया, तो फिर अब इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जिससे इसका परित्याग कर रहे हो? साथ ही यह भी बताने की कृपा करो कि आपने मुझ में कौन सा ऐसा गुण देखा है कि आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हो? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ वहाँ से मुझे धाता विधाता कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती रही हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर ना करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा कि हे देवी, कृपा कर यह बताएं कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली कि मैं उसी स्थान पर रहती हूँ
जहाँ सत्य दान व्रत तप पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इनसे विमुख हो गए हैं। पूर्व काल में ये सत्यवादी जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब ये ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, झूठे हाथों धृत छूते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले जागते थे तथा यथा समय सोते थे, परंतु अब ये देर से जागते हैं तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में ये दिन में शयन नहीं करते थे, दीन दुखियों अनाथ वृद्ध रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनके अन्न आदि से हर प्रकार से सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा सब काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं बल्कि दूसरों को खिलाकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए सरलता चतुरता सौहार्द उत्साह निअहंकार सत्य क्षमा दान ताप तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य निद्रा अप्रसन्नता असंतोष कामुकता और विवेकहीनता दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सब बातें नियम के विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन ना कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते, संतान का शास्त्रोक्त विधि से पालन पोषण नहीं करते। इन सभी कारणों से शरीर एवं चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन तथा पर स्त्री हरण जुआ शराब चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज, मैंने निश्चय किया है कि अब मैं इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण दैत्यों का परित्याग करके मैं तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसीलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक मुझे अंगीकार करो। जहाँ पर मेरा वास होगा वहाँ पर आशा श्रद्धा शांति जय क्षमा और विजित संगीत यह 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। जहाँ पर मेरा वास होगा वहाँ पर आशा श्रद्धा घृति शांति जय क्षमा और विजित संगीत यह 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। अब समस्त देवताओं के अंदर धार्मिक भावना अधिक बढ़ गई है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही निवास करूँगी। यह सुनकर इंद्र ने शक्ति रूप लक्ष्मी जी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवतागण भी उनके दर्शनार्थ आकर उपस्थित हुए और विभिन्न प्रकार से स्तुति करने लगे और बाजे गाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में ले गए। सत्य कुमार जी कहते हैं कि हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना देवी भगवती की कृपा से जागृत हो गई। बोलो लक्ष्मी माता की जय।